Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is Zahra Asnan and you are watching Zahra Asnan YouTube channel. Welcome back to another video. So guys, if you are my new viewer, please like my video, subscribe my channel and press the bell icon to get new notification. So guys, aaj ki jo meri video, it's totally up to on demand because hamari ek new viewer hai. और रेगुलर मेरी व्यूअर हैं, वो रोज़ाना मेरी वीडियोस को देखती हैं, उस पर कॉमेंट करती हैं, लाइक करती हैं. तो मेरी जो वीडियो है वो सबके लिए है, लेकिन स्पेशली क्योंकि उन्होंने बहुत डिमांड की थी, सब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि प्लीज़ 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 मेरी हमें आप ज़ारा प्लीज़ हमें मरमेट का स्टाइल बताएँ, वो कैसे बनता है. तो ये देखें जी, ये इस तरह बनता है. और मैंने ऑलरेडी ड्रॉ भी किया हुआ है अपने जो मेरा पोर्टफोलियो है जी हाँ, उसमें मैंने पहले ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर पेपर पे बना लिया है. अच्छा जी, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसको हम मरमेट भी कहते हैं. मरमेट क्योंकि बेसिकली जल परी को कहते हैं, तो इसलिए ये उससे इंस्पायर्ड होकर ये हमने जो इंस्पिरेशंस जो ली हैं वो वहाँ से ली हैं. तो उससे इंस्पायर्ड होकर हमने ये ड्रेस बनाया है. और इसको आप जलपरी भी कह सकते हैं, मछली का ड्रेस भी कह सकते हैं, फिश ड्रेस भी कह सकते हैं और मरमेट भी कह सकते हैं. तो जी जनाब, इसको मैं बताने से पहले और इसकी स्टिचिंग या इसकी प्रॉपर जो मेथड है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली कैलिको फैब्रिक होता है जिस पर हम इसको ड्रैप करते हैं, और एक मैनिक्विन होती है जिसको हम डमी कहते हैं. उस डमी के थ्रू ये ड्रैप होता है और ड्रैप होने के बाद कैलिको फैब्रिक पर ड्रैप होता है, और उस कैलिको को फिर हम अपने एक्चुअल फैब्रिक पर हम ड्रॉ करते हैं और फिर ये हमारे डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाता है. सो गाइज़, वीडियो को देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें. चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ. लेट्स गो, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी. देखिए व्यूअर्स, मैंने पेपर शीट ले ली है, और पेपर शीट लेने के बाद हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे अपना डिज़ाइन. लेकिन डिज़ाइन को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो मरमेड है या हमारा जलपरी ड्रेस का जो स्टाइल आज हम आपको बताएंगे, ये बेसिकली ड्रैप होता है. ड्रैप ये मैनिक्विन पर होता है, ठीक है. और मैनिक्विन पर ड्रैप करने के लिए हमें कैलिको कपड़े की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर पहले हमारा पैटर्न ड्रॉ होता है, मैनिक्विन पे रख के बनाया जाता है, उसके बाद एक्चुअल फैब्रिक पर ये बकायदा इसकी कटिंग होती है. तो क्योंकि अभी ये ऑन डिमांड है, बिगनर्स के लिए है, तो पहले मैं आपको सिंपल कटिंग समझा दूं कि ये सिंपल हम इसकी कटिंग किस तरह करेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर हम आपको ग्रेजुअली वन बाय वन हम आपको इसके स्टेप बताते रहेंगे कि आपको इसके अंदर कलियाँ ज्वाइन करनी है या आपको इसके अंदर मतलब किसी भी तरह का घेर डालना है, फिर वो तमाम पैटर्न हम बताएंगे. लेकिन जो बेस होती है, जो फर्स्ट तरीका होता है, वो हमारी बिगनर्स के लिए सिंपल कटिंग, उसकी सिंपल ड्राफ्टिंग होती है. तो पहले आज मैं आपको सिंपल ड्राफ्टिंग का तरीका समझाऊंगी, ठीक है. उसके बाद फिर हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताएंगे इसकी स्टाइलिश ड्रेसेस. तो पहले मैं इसकी बेस बना लेती हूँ, हमें करना क्या है, आप हमारे साथ रहिएगा. ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस पेपर को ये देखें इस तरह फोल्डिंग में रख लिया है, ठीक है. हमें इसको फोल्डिंग में रखने के बाद अब हम इसके ऊपर जिस तरह हमारी कमीज़ की मेज़रमेंट होती है, हम पहले उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है. अब मैं बताती हूँ कि ये मैंने ड्रॉ किस तरह किया. हमने नॉर्मल ही कमीज़ रखनी है, ठीक है. ये देखें, जैसे हमने नॉर्मल कमीज़ को हम ड्रॉ करते हैं, हम क्या करेंगे, हमने लिया है 7.5 इंच का, हमने 7 इंच का हमने शोल्डर ले लिया, जिस तरह हम कमीज़ में लेते हैं हमने इस तरह लंबा लेना है इस तरह, ठीक है. 7.5 इंच हमने ये ले लिया, और 7.5 का हमारा आर्मोल आ जाना है, ठीक है. उसके बाद हमने इस पर टिक लगा दिया, ठीक है. 7 इंच हमारा ये हो गया और 7.5 हमारा ये हो गया. और उसके बाद जो हमने अपने चेस्ट लिए हैं, वो हमने चेस्ट लिए हैं 18 इंच, ठीक है. 18 इंच पर हमने लगा दिया है निशान. वेस्ट है हमारी यहाँ पर 17 इंच. हमने देखें 17 इंच पे जिस तरह कमीज़ ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक आप पैटर्न अगर देखें, देखिए बिल्कुल कमीज़ का ही पैटर्न है ये, देखें, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी लेंथ जितनी भी है आपने फुल बॉडी लेंथ अपनी ले लेनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल 55 आपकी लेंथ है, आपने टोटल लेंथ 55 ले लेनी है, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी कमर
यहाँ से लेके यहाँ तक कमर की मेजरमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि हमारी वेस्ट लाइन। वेस्ट हमारी कितनी है, वेस्ट जो हमने ली है वो है ली है 17 इंच, ठीक है, हमने 17 पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमारा हिप यहाँ से लेकर यहाँ तक हम काउंट करते हैं, ये आता है 12 इंच, ठीक है, ये आता है 12 इंचेस, ठीक है। उसके बाद हमने 12 इंच में लगा दिया निशान, लेकिन फिर हम जब यहाँ से अपना काउंट करते हैं ये पूरा टोटल हिप, तो ये हमारा आता है 10 इंच, 19 इंच, जितना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने हिप लिया है, यहाँ पे मैंने हिप लिया है 19.5 इंच, ठीक है। आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपकी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। फिर हम नी लेंथ लेंगे, नी लेंथ हमारी है, अगर आपका यहाँ से लेकर यहाँ से ट्राउज़र हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से आपकी अगर वेस्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, आपकी जितनी लेंथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 36 है, 34 है, मैं क्योंकि अपने अकॉर्डिंगली लूँगी तो मैंने 36 ली, और 36 के लिहाज से मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा नी मैंने अपना काउंट किया है वो है 17.5 इंच, ठीक है, 17.5 इंच मेरा जो है वो नी है, सॉरी यहाँ पे 18 इंच, सॉरी 18 इंच मैंने लिया, ठीक है। तो ये 18 इंच इस तरह लेंगे, यूँ इस तरह 18 इंच हमने ले लेना है, ठीक है। ये हमारा 18 इंच है, जो मैं पेंसिल का पॉइंट आपको दिखा रही हूँ, ये 18 इंच, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको बताया है ये 17.5 लेंगे हम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेजरमेंट है ये 17.5, ये हमारा नी कहलाता है। और जो इस तरह हम इसकी विड्थ लेंगे, ये हम लेंगे 18 इंचेस, ठीक है। उसके बाद आपने घेर ले लेना है, जितना मर्जी आप घेर ले लें अपना, ठीक है, आप जितना मर्जी घेर ले लें, यहाँ से आपने यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, यहाँ और कम लेना है कम ले लें, इस तरह से हमारी मेजरमेंट हो जाएगी। ये मेजरमेंट मैंने अपने अकॉर्डिंगली की है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो आप अपने लिहाज से शोल्डर लेंगे, अगर आपका शोल्डर 17 है, 18 है, 19 है, जो भी आपका शोल्डर रहता है आप वो लेंगे, चेस्ट आपका जो आपका मेजरमेंट साइज़ है आप वो लेंगी, वेस्ट आपकी जो है वो आप अपनी लेंगी, हिप आपके जिस तरह आते हैं आप अपनी हिप के अकॉर्डिंगली लेंगे। उसके बाद जो नी लेंथ आपकी आती है वो आप अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारी शेप हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ से हमने इस पॉइंट को लेकर कहीं भी आप ले जाएं, जितना ज़्यादा आपको घेर चाहिए, ठीक है, आपने वहाँ तक इसको ड्रॉ कर देना। अब मैं आपको इसकी कटिंग और पैटर्न दोबारा बता देती हूँ। ओके जनाब, यहाँ तक तो हमने देखे, अब मैंने यहाँ पे गोलाई की शेप हल्की हल्की सी मैंने गोल दे दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने क्योंकि यहाँ तक हमने अपनी मेजरमेंट की थी, अब ये देखें, ठीक है। अब हमारी मेजरमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ली है 16, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 16 ली, तो हम 16 का आधा यहाँ पर 8 लेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे मिड पॉइंट, नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब जो आपका घेर है उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, घेर लेना है, और जो भी घेर आपका आता है 50, 60, 100, जितना भी आपका घेर आएगा उसका आपने मिड पॉइंट इस तरह लेना है। आपने मिड पॉइंट लेने के बाद 1.5 इंच पर यहाँ निशान लगाना है, ये देखें, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर एक शेप दे देनी है, इस तरह हमारी ज़्यादा ये लटकेगी नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, ये मैंने इंचेस में की है, बेसिकली ये जो है वो सेंटीमीटर पर कटिंग होती है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैनेकिन के थ्रू भी बताऊंगी, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास यही रिक्वायर्ड है तो मैंने आपको इसके ज़रिए ही समझाया है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमने कटिंग कर ली है अपने मरमेड की, ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मरमेड स्टाइल ड्रेस, आप इसको गाउन भी कह सकते हैं और जलपरी स्टाइल भी कह सकते हैं। सो ये देखिए माही आसिफ, आई एम सॉरी आपका क्या एक्चुअल नेम है, उनकी बहुत ऑन डिमांड था तो मैंने उनका नाम इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। आपको अगर मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़, या मुझसे ऑन डिमांड वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।